Hello students and welcome back to bank study.com. My name is Ramandeep Singh. So students today we are starting the marathon series for IBPS, RRB, GBO, scale 2 and scale 3. And today we are going to cover the laws. Laws are very, very important. Various laws are there. Negotiable Instruments Act is there in the documentation. There is Limitation Act, Registration Act, Stamp Duty Act. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ ऑल्सो देयर तो बहुत सारे लॉज हैं जो हम कवर करने वाले हैं इन द क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म एट क्यू एन सीरीज में हम इसको कवर uh, करने वाले हैं आई एम गोइंग टू एड ऑल दीज क्वेश्चन इन द सुपर सेट सुपर सेट इन केस यू आर लुकिंग द पी डी एफ और विद एक्सप्लेशन ऐसे आपको छः सौ से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं सुपर सेट में मिलेंगे सो यू कैन गेट इट ऑन बैंक एग्जाम छोटे डॉट कॉम आई एल लिंक

क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन याद करने जरूरी हैं यस और नो आंसर इज यस आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे सो विच द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टीन ऑफ द एक्ट अ शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन ही तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिजरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओके एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वट इज अ मीनिंग ऑफ नेगोशियेबल नेगोशिएशन वट इज़ नेगोशिएशन आपको चेक दिया गया आपने वो चेक पे साइन करके किसी और को दे दिया तो डेट दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पोजेशन एंड द टाइटल आप ओनरशिप भी दे रहे हो पोजेशन भी दे रहे हो इफ़ द पोजेशन हैज़ बिन टेकन लीगली विदाउट कोवरशन जबरदस्ती नहीं लिया एंड फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ वैल्यू किसी वैल्यू या कंसिडरेशन के लिए आपने गुड्स परचेज किए या सर्विस प्रोवाइड की उसके लिए आपने चेक लिया तो दैट इज लीगल तब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसका आप ध्यान रखें लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एज मोड ऑफ नेगोशिएशन इंडोर्समेंट आपको चेक दिया आपने इंडोर्स कर दिया किसी और को किसी और को दे दिया दैट इज इंडोर्समेंट डिलीवरी आप बेर चेक आप सबने शायद देखा होगा ठीक है तो उसमें आ, जो है आप सीधा ऐसे पकड़ा दीजिए किसी को तो वो नेगोशिएट हो जाएगा वो इंडोर्समेंट इज नेसेसरी फॉर इंस्ट्रूमेंट्स कोई ऐसा चेक है कोई ऐसा चेक जिसमें नाम लिखा हुआ है पेबल टू ऑर्डर है तो उसमें इंडोर्समेंट इज नेसेसरी बट इफ अ चेक इज बेरर चेक कोई नाम नहीं लिखा है उसमें जस्ट द डिलीवरी इज अ आप किसी को भी दे दो वो इनकैश करवा सकता है ओके okay? what are the types of endorsements as per the section 16 of the act i think i should hide myself so that you can read properly without the any you know any without any distractions so what are the types of endorsements as per section 16 of the act so blank is there full is there blank endorsement we have full conditional unconditional restrictive non restrictive सो वॉट वट इज अ करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव यह सारी जो है टाइप्स हैं इंडोर्समेंट की प्लीज चेक द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस कॉर्स तो उसमें आपको यह पूरा मिलेगा ठीक है अब फुल इंडोसमेंट इज वन वेयर दसर फोर्ड्स एज सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रोमेंट एज वेल एज राइट द नेम ऑफ अ पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड सो इंडोर्सर जो है वो नाम लिखता है जिसको पेमेंट देनी है अपने सिग्नेचर करता है ब्लैंक इंडोसमेंट इज़ वन वेयर द इंडोसर साइंस हिज नेम ओनली एंड बिकम्स अट बिकम्स पेबल टू द बेर ठीक है ब्लैंक इंडोसमेंट में अपने सिग्नेचर किया और जिसके हाथ में द बेर कैन टेक द जो पेमेंट है वो ले सकता है अकंडीशनल इंडोसमेंट इज वन वेयर द इंडोसी लिमिट्स और नेगेट्स हिज नेगेटिव्स हिज लाइबिलिटी कि इससे आगे जो है uh, किसी और को आप नहीं दे सकते नेगोशिएट नहीं कर सकते इस चेक को दैट इज़ कंडीशनल अनकंडीशनल ऐसी कोई कंडीशन नहीं है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट इज़ वन इन विच विच एदर बाय एक्सप्रेस वर्ड्स रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट्स द फर्दर नेगोशिएशन आगे आपने नेगोशिएट करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया नॉन रिस्ट्रिक्टिव में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन uh, नहीं है सो रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल इंडोसमेंट कंडीशन अलग अलग तरीके की हो सकती है सो हु इज अ होल्डर इन ड्यू कॉस सो होल्डर इन ड्यू कॉस इज अ पर्सन हु ऑप्टेंड द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ गुड फेथ में उसने जो है वट इज गुड फेथ भरोसा आई I मीन mean, मैंने किसी से चेक लिया है ये भरोसे पे दैट दैट पर्सन इज एन ऑनेस्ट पर्सन

एंड बिफोर इट्स एक्सपायरी बिफोर इट्स मेच्योरिटी कोई चेक लिया है जिसकी अभी डेट आई नहीं है बिफोर इट्स एक्सपायरी अगर मेरे पास आ जाता है आई बिकम अ होल्डर इन ड्यू कॉस सो अ होल्डर इन ड्यू कॉस इज अ प परसन हू ऑब्टेन्स द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन मीन्स फॉर वैल्यू बिफोर इट्स मेच्योरिटी पॉइंट नंबर वन कंसिडरेशन पॉइंट नंबर टू बिफोर इट्स मेच्योरिटी

बट द पॉइंट हेयर इज इफ ए गेव अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट टू बी एंड सी ने वो चुरा लिया एंड सी ने फर्दर डी को दे दिया सी कैनॉट गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज सी के पास जो टाइटल है वो उससे बेटर टाइटल आगे नहीं दे सकता फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कोई प्रॉपर्टी है राइट जो आपने लीज पे ली थी आपने 10 साल की लीज पे ली थी आठवें साल में आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी बिकॉज यू आर अ फ्रॉड आपने गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी बेच दी किसी को द पर्सन हु गॉट इट उसने गुड फेथ में वैल्यू पे ही हैड द फेथ की सात आठ साल से बंदा यहीं पे है एंड ही बिलीव दैट यू हैव द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर वैल्यू बिफोर इट्स एक्सपायरी ऑल दो ही इज अ होल्डर इन ड्यू कॉज बट बिकॉज सी के पास एक फुल टाइटल नहीं है

डी गॉट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सी डी कैन सू सी बिकॉज सी ने फॉल्ट किया ना डी का कोई फॉल्ट नहीं था ही कैन रिकवर फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज हु आर लाइबल जिसने भी फॉज किया है जिसने भी कुछ गलत किया है सो ही कैन फाइल क्लेम ऑन दैम ही कैन होल्ड अ इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट इन इन द टाइटल ऑफ प्रायर पार्टीज सो वॉट एवर द डिफेक्ट्स आर देयर ही गेट इट विदाउट एनी डिफेक्ट ओके

इट्स डिफरेंट फ्राम यू सी चेक चेक में ऐसा नहीं है चेक में आप डायरेक्ट चेक दे देते हो किसी को साइन करके बिल ऑफ एक्सचेंज में यू गिव द बिल एंड देन दैट पर्सन एक्सेप्टिव इट बैक टू यू एंड यू सेट ओके यू गोट अ प्रोमिस कांड ऑफ थिंग डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस आई मीन दैट पर्सन क्लियरली सेट ओके आई आई वॉन्ट एक्सेप्ट उसमें आपको बिल भेज जाए नहीं ठीक है सो इन दैट केस वॉट हैपन्स

ओके एंड बी ने सिग्नेचर किए प्रॉपर सिग्नेचर इज इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर किए एक्सेप्टेड लिखा वहाँ पे एंड सेंड इट बैक टू ए एंड देन ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी बी ने पेमेंट नहीं किया बी रिन पे सो दैट इज़ वेन अ प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इज प्रजेंटेड फॉर पेमेंट इज़ नॉट पेड विद इन रीजनेबल टाइम और इट इज़ अनपेड दैट इज डिसनर बाय नॉन पेमेंट वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस

ड्रॉर और मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये सभी पे जो मेकर है या जिन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं प्लीज रिमेंबर दट वट आर दशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड नोटिस ऑफ डिसमेंट नहीं आई राइट right? चेक लगाया आपने बाउंस हो गया तो आप एक प्रॉपर नोटिस भेजोगे जब तक नोटिस नहीं भेजोगे नोटिस भेजने के बाद भी टाइम दिया जाता है पंद्रह दिन का हो सकता है कि द पर्सन जिसने चेक दिया था वो पेमेंट देना चाहता हो आई मीन द लॉस इज़ की गिव हेम अदर अपॉर्चुनिटी सो इट मस्ट बी इन राइटिंग साइंड बाय द होल्डर इट मस्ट बी कंटेन्स द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस ऑनर इट मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर द डिसनर ये नहीं आप दो साल बाद उठ के आप नोटिस भेजो ऐसा नहीं है रीजनेबल टाइम पे आप नोटिस भेजोगे राइटिंग में साइंड स्पेसिफिक एंड टाइमली फोर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए इट शुड बी इन भी प्रॉपरलीटर्न में या टाइप रिटर्न होना चाहिए इट शुड नॉट बी ओरल प्रॉपरली साइंड आप साइन कीजिए स्पेसिफिक यू नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द चेक इन केस इट इज अ चेक सब कुछ स्पेसिफाई करो एंड देन इट शुड बी टाइमली प्रॉपर टाइमिंग पे आप इसको जो है भेजो नोटिस को वॉट आर द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑन अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप इधर यू मेक द पेमेंट और यू कैंसल और रिलीज इट और देर इज अ मटीरियल ऑल्ट्रेशन इफ देर इज अ चेक आपने किसी को चेक दिया एंड दैट पर्सन ट्राई टू फॉर्ज इट फॉर्ज मीन्स दस हजार रुपये का एक लाख रुपये बनाने की कोशिश की तो उसको दस हजार भी नहीं मिलेगा बिकॉज ही ट्राई टू डू द म्यूटलेशन और ही ट्राई टू डू द मेटीरियल ऑल्ट्रेशन पेमेंट का अमाउंट चेंज करने की कोशिश करा दैट इज मटीरियल ऑल्ट्रेशन ही ट्राई टू चेंज द डेट दैट इज मटीरियल ऑल्टरेशन सो दैट इज नॉट करेक्ट सो इधर यू मेक द पेमेंट और यू कैंसल द द इंस्ट्रूमेंट विद ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसेंट और द होल्डर इन ड्यू कॉस he try to, to, so so to do material alteration in all these cases the negotiable instrument discharge of its liability okay what are the exceptions to discharge by payment in due course by section 85 and 86 of the act payment uh, made without protest in foreign bills payment made in good faith in case of cross check or bearer check with forged endorsement payment made with grace in all these cases yeah. so let's move forward uh, let's move forward so, what are the exceptions to discharge by payment in due course? So, payment made, uh, made without protest in case of foreign bills, uh, payment made in good faith in case of cross check or bearer check with forged endorsements, payment made with grace, days of grace, grace in that case, in that case, exceptions are there. Okay.

दिस इज नॉट अ बेरर चेक आप बैंक में जाके इसका कैश नहीं निकाल सकते ये दो लाइन है तो आपके अकाउंट में ही पैसे जाएंगे ओके वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज सो चेक में क्या है ए कैन गिवा चेक डायरेक्टली टू बी उस पर अमाउंट मैंशन है डेट मैंशन है आपके सिग्नेचर्स हैं एंड यू कैन गो टू द बैंक एंड यू कैन विद्रा द मनी और इफ़ इट इज अकाउंट पे ई चेक यू कैन गेट द मनी इन यूर अकाउंट इन बिल ऑफ एक्सचेंज ए गिव्स अ बिल टू बी बी एक्सेप्ट ऑन द मेचोरिटी डेट ए गोज टू बी फॉर द पेमेंट सो दट इज अ डिफरेंस ओके सो अ चेक इज ड्रॉन ऑन अ बैंक इसमें बैंक इन्वॉल्व है बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई बंद इन्वॉल्व नहीं है अ चेक इज पेबल ऑन डिमांड अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अटन टाइम राइट

टू दैट पर्सन अकाउंट ओनली ठीक है उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा ओपन एंड द्रॉस चेक क्रॉस चेक में क्या है कि टू वर्ड्स लिखे होते हैं दैट अकाउंट पे तो इट इज कैश नहीं निकाला जा सकता post -dated, anti -dated, तो आज से आगे की डेट अगर डाल दी तो दैट इज पोस्ट डेटेड एंटी डेटेड पीछे की डेट डाल दी तो एंटी डेटेड राइट तो ये कुछ काइंड ऑफ चेक्स हैं वट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट इन ड्यू कॉस्ट एज पर सेक्शन टेन ऑफ द एक्ट What is the meaning of payment in due course as per section 10 of the Act? A payment made according to the apparent tenor of the instrument. According to the terms of instrument payment, payment made in good faith or without any negligence, payment made to the holder or, or his agent. So that is payment in due course. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में विदाउट एनी नेग्लिजेंस एंड होल्डर को जब पेमेंट करी जाती है दीज आर द्री कंडीशन जब यह सेटिस्फाई होगी दैट मीन्स मेड इन ड्यू कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन टेन ऑफ द एक्ट वेन आई सी सेक्शन टेन ऑफ द एक्ट यहाँ पे इट इज नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वट आर द टाइप ऑफ क्रॉसिंग एज पर सेक्शन ऑफ द एक्ट वर द टाइप ऑफ क्रॉसिंग क्रॉसिंग कैन बी जनरल इट कैन बी स्पेशल इट कैन बी अकाउंट पे एंड नॉट नेगोशियेबल क्रॉसिंग राइट नैगोशियेबल इंस्ट्रीमेंट वाला आप पूरा सेक्शन पढ़ें यू विल गेट आपको डिटेल में समझ आएगा जनरल क्रॉसिंग एंड द स्पेशल क्रॉसिंग आर बेस्ड ऑन वेदर एनी वर्ड्स आर एडेड बिटवीन द लाइन्स जो लाइन्स हैं क्रॉसिंग इसमें कुछ लिखा गया है तो दैट इज़ अ स्पेशल वन अगर कुछ नहीं लिखा दैट इज अ जनरल वन राइट द टाइप्स ऑफ यू नो रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है दीज आर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स वट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वट इज इफेक्ट ऑफ दैट सेक्शन वन थर्टी ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट डज नॉट इफेक्ट फर्दर नेगोशिये ऑफ द चेक बट प्रोटेक्ट द प्रायर पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी ए ने बी को चेक दिया बी ने सी को चेक दे दिया वही ठीक है सो इन दैट केस सी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट ए क्योंकि उसने नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग डाल दी हुई है तो ए की लाइबिलिटी खत्म होगी बी के बाद वो किसी किसी के लिए लायबल नहीं है ठीक है दैट इज अ सेक्शन 130 थर्टी वेन यू राइट नॉट नेगोशिएबल आपने जिसको चेक दिया बस वही आप पे केस फाइल कर सकता है उसके आगे के लोग आप पे केस फाइल नहीं कर सकते वट इज बाउंसिंग ऑफ चेक वेन चेक इज रिटर्न बाई द बैंक अनपेड फॉर एनी रीजन कोई भी रीजन हो सकता है बट इन दैट केस बाउंसिंग देखिए चेक बाउंस जो रिटर्न होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं सिग्नेचर मिसमैच साइन मिस मैच इज वन ऑफ द मेजर रीजन ठीक है एंड बैलेंस uh, नहीं है इनसफिशियंट बैलेंस इज देयर इन बैलेंस इज देयर सिग्नेचर्स आर मिसमैश्ड इट इज़ म्यूटिलेटेड इट्स फॉज इसको फॉर्ज किया गया है कटिंग है इसमें फॉर्ज किया हुआ है म्यूटिलेटेड है इट इज़ अ स्टेल चेक पुराना चेक है एक साल पुराना चेक लेकर आ गया कोई ठीक है uh, या आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि आप फौज करके लेकर आए हो दैट कैन बी ऑल्सो द केस चोर लग रहे हो आप शक्ल से तो दैट कैन ऑल्सो भी द केस बट यहाँ पे ओनली वन रीज़न इज देअर uh when a check is returned by the bank for insufficiency of funds or exceeding arrangement in the account within six months in that case uh, from its date or its validity period whichever is early in that case the check hai, that can be bounced ओके सो बैलेंस नहीं है या छो जो ना आपका जो अरेंजमेंट है सीसी अकाउंट के केस में छह महीने के बाद आप आ रहे हो दैट इज चेक बाउंसिंग साइन मिसमैच से अगर चेक वापस आता है या फॉज डॉक्यूमेंट से वापस आता है तो दैट इज नॉट अ बाउंसिंग ऑफ चेक तो ये बाउंसिंग नहीं है आप केस फाइल नहीं कर सकते वट आर द कंडीशन फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन वन ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट The check must have been issued for the discharge of a legally enforceable debt or liability. The check must have been issued for discharge of a legally enforceable debt or liability. कोई liability थी, कोई value के लिए check दिया गया था। फालतू में उठा के नहीं लेकर आए थे, चोरी नहीं किया हुआ था। आपने कोई value दी थी, आपने कोई goods and services दी हुई है, तभी आपके पास वो check आया है। The payee or the holder in due course must have been served a notice in ड्रॉइंग विद इन थर्टी डेज ऑफ रिसिविंग द इन्फॉर्मेशन एंड द ड्रॉर मस्ट है अमाउंट विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस आपने कोई सर्विस दी है कोई गुड्स दिए हैं तब आपको चेक मिला है वो चेक बाउंस हो गया बैंक से बिकॉज ऑफ इनसफिशंसी ऑफ फंड्स फंड नहीं है वहाँ पे तो चेक बाउंस हो गया आपके पास आ गया आपने जो है थर्टी डेज का नोटिस दे दिया है नाव यू हैव गिवन थर्टी डेज का नोटिस थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज आपने नोटिस दे दिया आपको पता चल गया कि वो चेक बाउंस हो गया उसके तीस दिन के अंदर अंदर आपने नोटिस सर्व करना है आपने तीस दिन के अंदर अंदर नोटिस सर्व कर दिया नोटिस सर्व करने के पंद्रह दिन तक अगर जो है ड्रॉर वो पैसे नहीं देता जिसने वादा किया था चेक वादा है एक तरह का अगर पैसे नहीं दिए पंद्रह दिन के अंदर अंदर देन यू विल फाइल अ केस अगेंस्ट सेक्शन वन थर्टी एट एंड द परसन एंड द ड्रॉर इफ ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट द केस उसको ट्वेंटी परसेंट uh, पैसे देने पड़ेंगे कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे इफ देर इज अ चेक ऑफ टेन लैख रुपीज देन टू लैख मस्ट बी डिपॉजिटेड टू फाइट द केस राइट सो टू बी अंडरस्टड आई होप दैट इज अंडरस्ट दीज थ्री कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट ओके यू गॉट अ चेक

तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा दैट इज अ पॉइंट नंबर वन उसके बाद जो भी है नोटिस वोटिस तो चलो होते रहते हैं ठीक है दो एक आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द केस कि कोई वैलिड कंसिडरेशन थी तो कोर्ट में ऐसे ही होता है ठीक है तो प्लीज नॉट दैट ओके व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ फिफ्टीन डेज पीरियड वन मंथ सी ए ने बी को जो चेक दिया ठीक है वो चेक हो गया बाउंस चेक बाउंस होने के देख लीजिए चेक बाउंस होने के थर्टी डेज के अंदर अंदर थर्टी डेज के अंदर अंदर पंद्रह दिन का नोटिस है चेक हो गया मान लीजिए चेक हो गया बाउंस चेक बाउंस हो गया ठीक है विद इन थर्टी डेज थर्टी डेज के गैप के अंदर अंदर यू नीड टू सर्व द नोटिस नोटिस कितने दिन का फिफ्टीन डेज का सो फिफ्टीन डेज का पीरियड ओवर होने के बाद विद इन थर्टी डेज यू नीड टू फाइल द केस ओके सो ऑल दीज डेज आर सेपरेट लॉन्ग प्रोसीजर चेक बाउंस होने के थर्टी डेज के अंदर अंदर यू गॉट द थर्टी डेज पीरियड टू सर्व द नोटिस एंड नोटिस फिफ्टीन डेज हो गए उस फिफ्टीन डेज के विद इन थर्टी डेज यू नीड टू फाइल द केस वंस थर्टी डेज पीरियड हैज़ बिन गॉन यू कैनॉट फाइल एनी सॉर्ट ऑफ केस ओके दर इज अ लिमिटेशन पीरियड लेट्स मूव फॉर्वर्ड What are hundis? In case, in, as per section 1, subsection 2, subsection 3 of the Act, these are indigenous instruments used for financing trade and commerce in India. In the olden era, it has been widely used, but even right now, they are used that, uh, for example, these are kind of negotiable instruments, right? Hundis are sort of negotiable instrument. In various trades, they are used. Usko parchi bol dete in hosiery trade, and all uh, diamond jewelry trade, instead of carrying cash or checks, Hundis are carried. They are safe way to transfer money, okay, or to to get the promises, okay? what are promissory notes as per section 4 of the act so promissory notes are instruments containing it's an unconditional promise so a promissory note cannot be conditional these are unconditional promises to pay a certain sum of money to a certain person or to his order or to the bearer so that is a promissory note okay what are bills of exchange as per section 5 so bills of exchange are instruments containing unconditional order to pay certain sum of money to a certain person or to the order uh, or to the bearer okay what is the name of scheme that provides alternative mechanism for resolution of disputes related to banking in india it's banking उम्समेंट स्कीम इट इज रन बाय आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग उमसमेंट स्कीम प्रॉपर प्रोसीजर है इसका आर बी आई की साइड पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं मैंने पढ़ाया भी हुआ है इन द कॉस्ट इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन वॉट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट एम्पावर्स बैंक्स टू रिकवर दूस फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कॉर्ट्स कॉट की इंटरवेंशन के बिना बैंक कैसे रिकवर कर सकते हैं पैसे सरफासी एक्ट इज ऑल्ल ऑलरेडी देयर ऑलरेडी देयर बड़े केसेस में आई बी सी देयर बट देयर विदाउट इंटरवेंशन यू कैन रिकवर द मनी नाउ डॉक्यूमेंटेशन इज देयर विद सेक्शन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन हंड्रेड एंड एट प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी फॉर फॉल्सली परसनेटिंग अनदर एंड प्रजेंटिंग डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन दिस इज़ सेक्शन 82 टू ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट याद करना ज़रूरी है सेक्शन आप किसी और के नाम के अगर सिग्नेचर करते हो तो सेक्शन 82 के अंडर सज़ा हो सकती है सात साल की सज़ा हो सकती है आई मीन इफ़ यू यू नो आप कोई डॉक्यूमेंट uh, कोई फोटोशॉप करके अगर सबमिट करते हो कहीं पे, तो पकड़ेगे तो सात साल की सज़ा है कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है ठीक है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विद इन हाउ मैनी मंथ्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन मास्ट भी प्रजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन दे मास्ट बी प्रजेंटेड विद इन फोर मंथ्स ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है चार मंथ्स में करा लें जरूरी है ओके इनकेस द डॉक्यूमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया Within four months of their arrival in India, they must be registered, according to Indian Stamp Act 90, 1899. How many months? The instrument which are executed outside India may be stamped within three months. This is Stamp Act. for was Registration Act. Tha. This is three months. one month Registration Act. three four uh, registration karau, Stamp Act three months' in stamping karau. Stamping and registration' mein difference hai. A mortgage is created on first of uh, January 20, uh, 2013. It is enforceable up to 2025. Now, ये table आप याद करना पड़ेगा. ये take a screenshot. और uh, if you want to make a Google search हो सकता है, थोड़ा गलत निकला या ऐसा table ना मिले, the whole limitation act इसमें से एक version हर साल आता है. फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिजरी नोट का थ्री ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड है थ्री ईयर्स के अंदर अगर आप केस फाइल नहीं करते यू कै नाट मेक अ क्लेम ओके टर्म लोन अग्रीमेंट विद रीपेमेंट शेड्यूल थ्री ईयर्स फ्राम द डेट ऑफ डिफॉल्ट अक्स बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट अ फिक्स टाइम थ्री ईयर्स विन द बिल फॉल्स ड्यू टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ट्वेल्व ईयर्स suit by the mortgagee for possession of immovable property 12 years letter of guarantee 3 years from the date of determining guarantee right of foreclosure of mortgage property bechni hai 30 years from the date when the money secured becomes due execution of decree 12 years from the date of decree recovery of loss by a fraud so 3 years from the date of detection of fraud you need to take the action otherwise aapka koibi, जो है केस ही नहीं बनता है केस खत्म है आपका अपील टू फाइल इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट विद इन नाइनटी डेज ऑफ द डिक्री नीड टू फाइल द केस यू नीड टू फाइल द अपील अदरवाइज आपके राइट right खत्म है अपील टू फाइल इन अदर कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट इन लोअर कोर्ट थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री मनी पेड बाय ओवर साइड इन एक्सेस आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एक्सेस पैसा आ जाता है और तीन साल तक बैंक को पता नहीं चलता लिमिटेशन है विद इन थ्री इज देन रिकवर दे कैन फाइव केसेस अगेंस्ट यू टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट लेटर ऑन अदरवाइज इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द कॉस अ डिमांड फॉर मिजरी नोट इज एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी तीन साल का है तो ट्वेंटी सिक्सटीन Security documents are obtained in bank loan for the purpose of what? That loan actually the hai. <laughs> hai. Or for keeping, uh, for creation of evidence of having given a loans under the Evidence Act, loan given, okay. A limited company can stand guarantee. So, a company is a legal person. It is an artificial person. A company is not an individual the managing director of the company doesn't mean he can take all the decisions. board of director is there. for example, pm of a country does not own the country. cm of a state does not own the state. <clears throat> similarly, in case of a company, a managing director or the chairman of the company does not take the decisions himself. he need to take, uh, you know, you need to do, there is a proper resolution passed by the board for this purpose only then the company can take the guarantee. the legal hire of the deceased borrowers. for example, uh, <clears throat> your grandfather dies, right? for example, that's a very bad example, but to just for the, let's say, ramke father marge, hai. i mean, Ram ke, ram's father died. ram's father died he had a property of 10 crore rupees while there was a bank loan of 11 crore rupees the bank cannot come to ram and say uh, give us 1 crore rupee there is a you know 10 lakh 10 crore rupees property hai, or 11 crore ka loan hai. no the bank can recover only up to 10 crore rupees so excess may they cannot cover uh, the liabilities up to the value of assets inherited लेट्स से टेन करोड़ का एसेट मिला है प्रॉपर्टी राम के फादर से एंड उसके पास खुद के पास पाँच करोड़ का प्रॉपर्टी है द बैंक कैन नॉट कॉम वेन से कि आपके पंद्रह करोड़ में से ग्यारह हम ले रहे हैं दैट्स नॉट द केस अप टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट यू हैव इनहेरिटेड वहां तक ही यू कैन टेक इट अंडर सेक्शन सेवनटीन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन हंड्रेड एंड एट विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करी है दैट शुड बी रजिस्टर्ड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर फॉर एनी टाइम एक्सीडिंग वन ईयर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी राइट इन अन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड which of the following is not a negotiable instrument according to section 13, Repeat questions, share certificate. What is the meaning of negotiation? I guess the topics are repeating now. So I guess that's I guess all for today students. Uh, if there is any doubt in your mind, ask your doubts. you can download this superset. you can download the superset in which there are 700 plus similar mcqs very important mcqs are there it's available in the superset I would uh, encourage you to download the superset as well as the power capsule last minute revision may both help Karega link is available in the description download it and you know give a push to your preparation I' am pretty sure you will find at least 10 questions from superset and like seven eight questions from Power capsule. A lot of questions I'm promising. I know you're going to get that from the superset and the power capsule. Links are available in the description uh, for the financial awareness course. You can get it together as well. Uh, that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.